अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये मैंने बनाई है कढ़ाई बिल्ले के गोश्त की, बहुत ही मज़े की बनती है। और आज जाना है अम्मी के घर, ईद का दूसरा दिन है और मैं जाऊंगी अब ऊपर अपने ईद के कपड़े निकालने के लिए। मैंने अपने सारे फैंसी कपड़े जो हैं तो फर्स्ट फ्लोर पर रखे हुए हैं, और क्योंकि वो इतने यूज़ में आते नहीं हैं तो मैं नीचे की अलमारियाँ, आपको पता है ना, वो तो भरी होती हैं ऐसी भी, और हर वक्त तो जारी बात है हमें किसी फंक्शन में जाना नहीं होता। और आज भी ज़रा देखूँगी क्या, गर्मी भी तो बहुत ज़बरदस्त है ना, कुछ लाइट सा पहनूंगी। क्या पहना जाए, एक तो ये समझ नहीं आती गर्मी के मौसम में इंसान पहने क्या। कि मैंने बहुत प्यारा सा सूट बनवाया था अपने लिए वाइट, और अभी तक मैंने पहना नहीं है, तो ईद है तो देखती हूँ शायद यही पहन लूँ। और मैरू जो है तो नानू के घर जाने के लिए तैयार हो गई है, खूब चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहन कर, फ्रॉक पहन कर रेडी हो गई है, अभी शूज़ पहनेगी। और मैंने ये वाला सूट पहना हुआ है, वाइट वाला मैंने निकाला था लेकिन वो भी ज़रा गर्म था, तो मैंने ये वाला सूट पहन लिया है, उसके नीचे लेस लगी हुई है। और ये सूट मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। और बस अभी जाएंगे अम्मी के घर इंशाल्लाह, बहनें बहनें आई होती हैं सारी तो। और मैंने उन्हें ग्लासेस भी लगा ली हैं, चलें बस अब निकलते हैं हम इंशाल्लाह। चलो आ जाओ मैं, आ चलते नानू के घर, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया अचानक से। तो ये हम लोग अम्मी के घर जा रहे हैं, ये रास्ता है, और ये शाम का टाइम है और हम लगा रहे हैं टिक्के। ये इस तरफ कलेजी के टिक्के हैं और इस तरफ गोश्त के। और ये दस्तरखान का बुरा हाल किया है अब्दुल्ला ने, मेरे बेटे ने, ये थोड़े से बचे हुए, अभी ये भी लगाएगा। तो बारबेक्यू का बहुत ही मज़ा आता है ईद पर, वो कोयले बार बना रहे हैं कोयलों को, इंशाल्लाह ये बन जाएंगे तो फिर। तो अचानक ही पेशावर का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। तो आज का दिन और आज की मेरी वीडियो इतनी ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।